कोई प्यासा न रहे। अब मैं आजमगढ़ की धरती से उस शायर को आवाज देना चाहता हूं जो आज आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करता है। मेरी मुराद है शादाब आजमी से कि शादाब आजमी जब बाहर गए हुए थे तो वहां इस वजह से लोग खुश हुए कि कैफी के बाद आजमगढ़ का कोई ऐसा शायर है जो मुशायरों में जाता है, अदब पे जिसकी पकड़ है और जो अदबी महफिलों में जाता है मुशायरों के अलावा। इसके अलावा एक और नाम आता है शकील आजमी का। शकील आजमी भी आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ शादाब आजमी भी आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, शादाब आजमी को जब आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि शेर अच्छा है कि शायर अच्छा है कि दोनों अच्छे हैं। मैं बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ उनका नाम ले रहा हूं। वो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। मैं मोहतरम जनाब शादाब आजमी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, हालांकि इन्हें एक मुशायरे में जाना था लेकिन मैंने कहा कि आपके घर का मुशायरा है, आप इस मुशायरे को पढ़ लें, उसके बाद जहां जाना होगा आप चले जाइएगा। गालिबन इनको हैदराबाद जाना है, आज रात में ही ये निकलेंगे, लेकिन एसडीएम साहब से मैंने कहा था और एसडीएम साहब ने भी कहा था कि शादाब आजमी से कहिएगा, राजेश साहब ने कहा था, इसलिए मैं शादाब आजमी को जहमत देने जा रहा हूं। साथ ही साथ अजीत यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक अध्यक्ष, इसके अलावा डॉक्टर हरि प्रसाद यादव जी जो नाहर हरिप्रकाश यादव जी जो नाहर विद्यालय नाहर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी तशरीफ ले आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आप अपने चहीते शायर को सुनिए और दादो तहसीन आप दिल खोल कर देंगे, क्योंकि उनके पास वो तरीका है कि जिससे आपसे वो दादो तहसीन ले लेंगे, कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक पर आपके सामने मशहूर शायर शादाब आजमी साहब। बहुत शुक्रिया हाजरीन। हजारों साल की हमारी जो मुश्तरक तहजीब है, हमारा जो कल्चर है, उसको दुनिया के सामने पेश करने की जो कोशिश की है डीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसील साहब ने, तहसीलदार साहब ने, हम इसके लिए उस कोशिश को सलाम करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कौमी यकजहती के हवाले से आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये सर्द रात और इस सर्द रात में भी आप बड़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। हम आपकी सलाम, आपकी समातों को सलाम पेश करते हैं। और यहाँ से रात सर्द जरूर है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब कौमी यकजहती के हवाले से बात की जाएगी, अपने वतन अपनी मिट्टी की बात की जाएगी, तो आपके अंदर गर्मी जरूर पैदा होगी। इस उम्मीद के साथ कौमी यकजहती के चार मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूं। मेरे सामने मेरे मोहतरम शिव प्रसाद जायसवाल जी तशरीफ रखते हैं, एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज में दरसो तदरीस के हवाले से चार साल जो गुजारे वहां और उनके साथ रह करके काम करने का जो मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे मोहतरम दोस्त फैसल गुड्डू साहब, कलीम साहब तशरीफ रखते हैं, आप सबकी शिरकत चाहते हुए कौमी यकजहती के हवाले से जमुई तहजीब के हवाले से चार मिसरे यहां से पेश करता हूं बतौर खास। मुझे हुक्म दे तालियां बजा करके यहां से मैं पेश करूं बतौर खास, पेश करता हूं इरशाद सुने बतौर खास यहां से जुड़ करके। ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, हमें अपनी जान से। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब। मैं पेश करता हूं यहां से, ये कहना गलत ना होगा कि पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खातीन की तरफ से जो शायरी होती है, मुबालगा आरवाई ना समझिएगा। मोहतरमा मेरी बड़ी बहन शबीना अदीब साहबा बैठी हुई है, जो शोहरत और मकबूलियत इनको हासिल है किसी के हिस्से में नहीं आई, पेश करता हूँ उनकी दुआएं भी चाहते हैं समाज फरमाए यहां से कि ऐलान कर रहे हैं, ऐलान। आप
بہت اچھی نظامت کی ہے اور آپ کی تعریف محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ نے بھی کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے چار مصرے ضائع نہ ہوں, پیش کرتا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں, ذرا سا ایک مرتبہ تالیاں بجا دیں محترم ایوب وفا صاحب کے لیے کہ اعلان کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں بڑی آن بان سے, بڑی آن بان سے کہ یہ ملک ہے عزیز, یہ ملک ہے عزیز, ہمیں اپنی جان سے, ہمیں اپنی جان سے مر کر ہم اس کی گود میں, مر کر ہم اس کی گود میں سوئیں گے ایک دن, رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا, رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا ہندوستان سے, واہ واہ واہ, رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا ہندوستان سے, واہ. اور شکریہ آپ نے لاج رکھی شاعری کی اور اس کوی سمیلن اور مشاعرے کی, آپ کی سلام, آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ نے بہت اچھا سنا, رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا ہندوستان سے, ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح سے ہے, ہندو اور مسلمان اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں, یہ یاد رکھا جائے کہ اگر کسی ایک آنکھ کو بھی نقصان پہنچا تو یہ دلہن اندھی اور بدصورت ہو جائے گی. ہمارے ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. چار مصرے اور اسی مٹی کے حوالے سے, قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص. ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں. محترم ایچ ڈی ایم صاحب تشریف رکھتے ہیں, بڑی دعائیں اور بڑی محبتیں ملتی ہیں, خاص طور سے ان کے حوالے سے چار مصرے پہنچاتا ہوں آپ تک بطور خاص, سماعت فرمائیں کہ ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں, ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں, اپنی ہستی کا ساز و سامان لٹانے والے ہیں, اپنی ہستی کا ساز و سامان لٹانے والے ہیں, دیش ہمارا ہم کو واہ واہ, کیا کہنے ہیں صاحب جی, بہت خوب. آپ دیش بھکتی کے شعر آ رہے ہیں, ان شعروں کا آپ سواگت کریں, بہت شکریہ, اور اس شاعر کا کریں. آپ سب کی محبتوں کو, آپ سب کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں, بہت اچھا آپ نے سنا, محترمہ شعر سنا رہی تھی تو آپ بڑی داد و تحسین سے نواز رہے تھے, بہت دیر تک انہوں نے آپ کو سنایا, میں نے یہ سمجھا کہ آپ کی ساری انرجی ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ شکریہ آپ کا کہ ابھی تک انرجی بچی ہوئی ہے اور آپ شاداب کو محبتوں سے نواز رہے ہیں, آپ کی داد و تحسین بہت خوب ہے. آئیے چار مصرے یہاں سے اور پڑھتا ہوں. آپ کا یہ شاعر پورے ہندوستان میں جا کر کے نمائندگی اعظم گڑھ کی کرتا ہے اور اعظم گڑھ کا نام روشن کرتا ہے, شاداب اعظم. چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص, میڈیا سے تعلق رکھنے والے ریاست بھائی, اکھلیش جی, تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں, میں آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے چار مصرے یہاں سے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں. ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ یا عیسائی, بطور خاص جڑ کر کے سنے, پیچھے تک کے لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں, زبردست زبردست. ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ یا عیسائی, لڑائی چھوڑ کے آپس کی نیک ہو جائے,
पसीने के हो जाए और मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए। वाह वाह वाह, एक हो जाए। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए। मोहतरम एसडीएम साहब फैसल गुड्डू साहब और चेयरमैन साहब शिव प्रसाद जायसवाल जी बड़ी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं, हमारे नौजवानों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। मैं गजल के भी कुछ शेर पेश करूंगा, लेकिन चाहता यह हूं कि चार मिसरे और इस हवाले से आप सबकी खिदमत में पेश करूं। मुझे हुक्म भी हुआ है इन चार मिसरों के लिए जितेन जी तशरीफ रखते हैं, मैं पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद इरशाद, बड़ी अच्छी गुफ्तगु हो रही थी, प्रखर जी ने बड़ी अच्छी शायरी आपके सामने पेश की। प्रखर जी बैठे हुए हैं, अभी पिछले दिनों इन्होंने मुझे अपने अपनी सरजमीन पर एक कवि सम्मेलन में बुलाया था, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं चार इरशाद खास समाज फरमाए, वतन की आन लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। चौथा मिसरा चौथी पंक्ति जब आएगी तो मुझे उम्मीद है आपकी समातों पर कि आप मुझे मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश इरशाद, इरशाद। कि वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फकत इंसान लिख देना, लिखने वाले तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह वाह, तालियां जोरदार होनी चाहिए, जितनी तालियां बजनी चाहिए उतनी बज नहीं रही है, एक मरतबा जोरदार तरीके से बजाइए। मुझे लिखना तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, हिंदू और मुसलमान मत लिखना, बहुत खूब जिंदाबाद। वफा साहब, बहुत देर तक मोहतरमा ने ताली बजवाई और मुझे लगता है कि नौजवानों को बिल्कुल थका सा दिया था बजवा बजवा करके। मैंने मोहतरमा नूरी साहबा से भी कहा था कि बहुत बहुत देर तक बजाना है, तो इसलिए जो है बचा बचा करके बजा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शादाब के लिए कुछ तालियां बचाई हुई थी, बहुत शुक्रिया आपके आपकी समातों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक फरमाइश और एक फरमाइश भी आई है, तुम लग रहे हो ऐसे। मैं पेश करता हूं यहां से चार मिसरे, मैं कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ रहा हूं, और आपके सीने में जो दिल है उस दिल में हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है ये मोहब्बत साफ जाहिर हो रही है। चार मिसरे और यहां से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इजाजत हो तो जरा सा तालियां बजा करके मुझे हुक्म दें, आपके हुक्म की तामील करूं। चार मिसरे पढ़ता हूं, बहुत शुक्रिया। कि जरूरत पड़ गई तो फैसल भाई, जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना। नौजवानों, आपका साथ चाहता हूं, सबका साथ चाहता हूं, क्योंकि कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास। पेश करता हूं बतौर खास, कि जरूरत पड़े जंग का ऐलान कर देना। अगले प्रधानमंत्री यही बनेंगे आगे जी। पेश करता हूं बतौर खास समाज, कि जरूरत पड़ गई तो, जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना,
पहुंच कर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। आपका जज्बा देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं वो तड़प की मोहब्बत में देखना चाहता हूं इन चार मिसरों पे। बतौर खास समाज फरमाए कि जरूरत पड़े। एसडीएम साहब का चेहरा बहुत खूबसूरत है, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए बीच में, जल्दी से हट जाए। मैं अब तक जितना पढ़ा हूं ना, वो एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और शिव प्रसाद जी को और गुड्डू भाई को देख करके पढ़ा हूं। तो एक मरतबा तालियां बजा दीजिए इन इन शख्सियात के हवाले से। चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास। समाज फरमाए कि जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, पहुंच कर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना, पहुंच कर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। वतन की आबरू खतरे में जाती देखना यारो, वतन की आबरू खतरे में जाती देखना यारो, वतन के वास्ते तुम जान भी कुर्बान कर देना। वाह 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 भाई, देशभक्ति शेर बहुत अच्छे आ रहे हैं और तालियों से स्वागत आपका लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत देर के बाद मुशायरे में हरारत आई है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरी तरह से यह प्रोग्राम कामयाबी की तरफ गामजन है। अगर प्रोग्राम कामयाब है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक मरतबा जोरदार तालियां बजा करके खैर मकदम कीजिए इस कवि सम्मेलन मुशायरे का। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आइए, बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, मोहतरमा अभी पढ़ रही थी और हमारे प्रखर जी बैठे हुए हैं। भाई राजेश यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो डाइस पर आ जाएं। राजेश यादव जी, इरशाद, प्रखर जी बैठे हुए हैं नौजवानों, और मोहतरमा ने अपनी उम्र भी बताई शबीना बाजी के हवाले से कि जब से वो पढ़ रही है उन दिनों की हमारी पैदाइश है। मैं लेकिन उसके बावजूद भी छेड़छाड़ कर रहे थे हमारे प्रखर जी। प्रखर जी की उम्र देखिए, दादा हैं, बिल्कुल दादा हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो सब काम जो आप कर रहे हैं ये भी कर चुके होंगे अपने जमाने में। मैंने अपने ये चार मिसरे पढ़ता हूं अपने इन बुजुर्गों के लिए और खासतौर से प्रखर जी का ध्यान चाहूंगा। अगर निशाना जो है सही लग जाए तो नौजवानों की तालियां मुझे मिलनी चाहिए। कभी मैंने कहा था कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है। पेश करता हूं सुने नौजवानों की, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। अच्छा शेर है, फिर से पढ़ दीजिए। प्रखर जी जवान हो गए हैं बिल्कुल। नहीं, प्रखर जी मुझे पता है कि अपने माजी में चले गए, अपना जो है पिछला जमाना वो याद कर रहे हैं क्या कुछ किया होगा इन्होंने जी। कह रहे हैं बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसी ताईद हो गई कि इन्होंने बहुत कुछ किया है। वाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। शादाब साहब तुम लग रहे हो, वो पढ़ दीजिए, दो तीन लोगों ने कहा। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास, यहाँ से एक माहौल बनाए। मैं कुछ शेर गजल के आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले ये चार मिसरे कि कुदरत का हसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। एक माहौल दे दोस्तों, पिछले दिनों आपकी दुआ से दोहा कतर के मुशायरे में था आजमगढ़ की नुमाइंदगी की, और अल्लाह का शुक्र है आपकी मोहब्बतें आपकी दुआएं की बड़ी कामयाबी मिली। तो वो शेर, कुछ शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुझे लगना चाहिए, मुझे दिल से जो खुशी मिलेगी मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, तभी मुझे अब तक आपको अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ देर अच्छा लग जाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दे। पेश करता हूँ इरशाद। इरशाद पतला यार्ज किया कि कुदरत का हसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हसी उसने
नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और अर्शाद शेर मुझे ये सुनाना है कि ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दोबारा नहीं देखा, पेश करता हूँ, बहुत रोई हैं आंखें, एसडीएम साहब, बहुत 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 रोई हैं आंखें, इसलिए दामन मेरा नम है। बहुत देखिए, गुरबत की वजह से नुकसान कहां कहां से हो जाता है। पेश करता हूं बतौर खास ये चार मिसरे, अगर कुछ नया नया सा हो गया हो तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। डॉक्टर साहब सुने बतौर खास, के बहुत रोई है आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। चौथे मिसरे पे भरपूर दुआएं मिलनी चाहिए आपकी। बहुत रोई है आंखें इसलिए दामन नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है, तुम्हें अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है, मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता, मैं एक मुफलिस का बेटा हूं मेरी कीमत बहुत कम है। वाह 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 वाह, मैं एक मुफलिस का बेटा हूं मेरी कीमत बहुत कम है, मैं एक मुफलिस का बेटा हूं मेरी कीमत बहुत कम है। अब मुझे खुशी हो रही है, मैं जब शेर पढ़ता हूं आप मोहब्बतों से नवाज रहे। अब यहां से चार मिसरे और सुन ले कि रंज और हिजर की दुनिया में मजा आता है। अच्छे सामईन मिले हैं तो आज सुना रहा हूं, हिम्मत नहीं जुटा पाता मुशायरों में कि हाँ कुछ अच्छी शायरी पेश की जाए, लेकिन आज अच्छे लोग मिले हैं तो सुना रहा हूं। पेश करता हूं अपनी बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा की दुआएं, पेश करता हूं बतौर खास, यहां से चार मिसरे समाप्त कर ले। शादाब यही पढ़ना चाहता है, यही सुनाना चाहता है, सुने फैसल भाई, कि रंज और हिजर की दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है, रंज और हिजर की दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो, सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है, वो खुश है गुलशन में तो लैला को वही रहने दो, मैं हूं मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मैं हूं मजनू मुझे सहरा में मजा आता है, मैं हूं मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक गजल के चंद अशआर और आपकी खिदमत में पेश करता हूं, दो चार मिनट आपके और लूंगा। बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं सुनाना चाह रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला यहाँ से ये कहा है, मतला पेश करता हूँ बतौर खास, मतला ये पेश करता हूँ कि चार पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, चार पैसे जो सलीके से, चार पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं, चार पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं। और नौजवानों, अगर वाकई एक मजबूत शेर हुआ हो, अच्छी शायरी हुई हो, तो आपकी दाद, आपकी मोहब्बतें, आपकी आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। पेश करता हूं कि चार पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐसे भी हालात ना हो जाएं कि हम, ऐ खुदा ऐसे भी हालात ना हो जाएं कि हम अपने ईमान की ताकत को गंवाने लग जाएं, ऐसे भी हाल। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी शायरी की लाज रख ली, हिफाजत की आपने, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं बतौर खास कि चार पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं, ऐ खुदा ऐसे भी हालात ना हो जाएं कि हम अपने ईमान की ताकत को गंवाने लग जाएं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर,
और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं, और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं। पांच वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं, क्या बात है। पांच वक्तों की, प्रखर जी, प्रखर जी पेश करता हूं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं चाहता हूं कि पांच वक्तों की, डॉक्टर साहब शेर समाप्त फरमाए कि पांच वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं, काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। वाह, काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। पांच वक्तों की नमाजों में, पांच वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं, काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। और नौजवानों, उस घड़ी मौत भी आ जाए तो अच्छा होगा। उस घड़ी कलीम साहब, उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद फूलपुर के अच्छे लोगों, मेरे वतन के अच्छे लोगों। यहीं से शायरी का सफर शुरू किया था फूलपुर से पिछले 15 सालों पहले, लेकिन आपने आज लाज रख ली शायरी की और शादाब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा तालियां बजा करके मुझे बताएं कि वाकई ये मुशायरा कामयाबी की तरफ गामजन है। पेश करता हूँ बतौर खास कि उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। मुफलिसी, अब ये शेर सुन करके बताइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर शेर अच्छा हुआ तो आप बोलेंगे। मैं पेश करता हूं बतौर खास, समाज फरमाए कि उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको, मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको, मेरे मालिक मेरे बच्चे भी कमाने लग जाएं। मुफलिसी रोज किया करती है, मेरे मालिक बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी दुआएं आपकी मिली। पेश करता हूं कलीम साहब की, मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको, मेरे मालिक मेरे बच्चे भी कमाने लग जाएं। हम नले काम अगर अक्लो हिरद से शादाब, 4-6 रोज के अंदर ही ठिकाने लग जाएं। वाह।